बन भी नहीं पा रही थी ऐसे प्लेन। तो मैंने दो वो बनाए थे पीपीटी में। अगर आपको नोटिस हो पा रहा है, अगर नोटिस हो पा रहा है तो ठीक है। अब हम बनाना ही नहीं आता है, हमारा कंप्यूटर चलाना वैसे ही है जैसे हमारे पापा मोबाइल चलाते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल में भाई देखो, मैंने पता कंप्यूटर क्यों छोड़ दी थी, 9वीं क्लास में मैंने कंप्यूटर छोड़ दी थी। उसका रीजन पता है, एक बहुत सिंपल सा रीजन था। ठीक है, एक तो हमारी कंप्यूटर हमें पढ़ाने का तरीका लगता, आप लोग तो नई जनरेशन के हैं, हम लोग ऐसी जनरेशन के थे जब जहां पर कंप्यूटर नए नए आए उनका चूहा ऐसा होता था। ठीक है, इतना बड़ा सा चूहा होता, तीन होते थे बल्कि, ये बीच में एक ऐसे चक्री सी भी होती, पता नहीं आप लोगों ने ऐसे यूज किया है माउस या नहीं किया है। ठीक है, हमारा माउस ऐसा होता था और हम लोगों का सारा इंटरेस्ट, हम लोगों का आपके स्कूल में भी ऐसा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतने पुराने स्कूल में थे आप। ठीक है, हमारा सारा इंटरेस्ट होता था इस माउस के नीचे एक बॉल होती है, उसको कैसे चुराया जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको तो बताया ही है, जब भी आप लैब में जाते हैं, जब भी आप, ये चप्पल लग रही है, हाँ खड़ुआ लग रही है, खड़ुआ। हम लोग लैब में जाते थे, अभी तो आपके लेजर वाले, शायद आप लोगों ने वो देखे हैं, लेजर वाले माउस होते हैं, नीचे से लेजर निकलता है, लेकिन हमारे टाइम पे माउस के नीचे एक बॉल होती थी जिससे रोल होता था, तो ये माउस को सेंसेशन होता था, तब ये कर्सर इधर उधर जाता था। हमें इससे फर्क नहीं है कि हमें कोडिंग सीखनी है या बाद में कंप्यूटर, टेक वर्ल्ड से हमें कोई लेना देना नहीं था। हमारी पूरी क्लास का इंटरेस्ट ये था कि यहाँ पे ये गेंद कैसे चुराई जाए, और वो लोहे की गेंद है, उसके ऊपर रबड़ का एक पतला सा वो है, देखने में बॉयल अंडे का सेंट्रल, बहुत मजा आता था, इसके ऊपर सारी स्ट्रेटेजी लग रही होती थी। और मजे की बात ये है कि जो हमारा टीचर होता था कंप्यूटर की, जो मैडम होती थी, कंप्यूटर का मैंने कोई टीचर नहीं देखा था पहली बार। ठीक है, हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं था, हमेशा कंप्यूटर की मैडम होती थी, और कंप्यूटर मैडम को भी इससे मतलब नहीं था, हाउ टू ओपन पीपीटी, हाउ टू क्लोज पीपीटी, हाउ टू सेव अ फाइल, ये पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। उनका मतलब ये था क्लास में आने के बाद, भाई लैब तो ले जाना पड़ेगा, पैसा ले लिए हैं, जैसे लैब में ले जाते उनका ध्यान रहता था कौन माउस के ऊपर हाथ लगाया है, उनका ध्यान माउस की इस गेंद को बचाने का था, और हमारा खेल था कि इस गेंद को चुराना है किसी तरीके से। ठीक है, सारा कंप्यूटर हम यही सीखे थे कि कैसे इस तरीके से बॉल को ऐसे खिसका के बॉल निकाल के वापिस रख दे और निकल ले। फिर स्कूल वालों ने देखा कि भाई जो बच्चा जिस कंप्यूटर में बैठेगा उसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि अब गेंद चुराई जा रही है। और होता कुछ नहीं है, क्लास में जाने के बाद थोड़ी देर का घमंड कि हमने चुरा लिया, उसके बाद तब वो कहते ना उदासी, क्योंकि अब करें क्या इसका, चुरा तो लिया है लेकिन अब करना क्या है इसका। तो कुछ बच्चे ले जाते थे कि भाई मैं अपने क्रिकेट खेलते समय बैट में मेरे को स्ट्रोक्स निकालने हैं, तो मैं उस बॉल से अपने स्ट्रोक्स निकालूंगा। ठीक है, तो इसलिए चोरी होती। और हमारा सारा इंटरेस्ट, आप लोगों ने, मेरे को नहीं पता कि आप लोगों ने कंप्यूटर्स कैसे पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि आप में और मेरे में ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 साल का ऊपर ही गैप हो गया, 12 साल का अप्रोक्सीमेटली गैप हो गया। हमारे टाइम में कंप्यूटर की क्लास ऐसे होती थी, टीचर आता था और हमें पढ़ाता था ओपन, हाउ टू ओपन, हमारी बुक भी ऐसी होती थी, हाउ टू ओपन पीपीटी। ठीक है, पहला स्टेप पीपीटी मतलब पावर पॉइंट, पहला स्टेप ओपन योर कंप्यूटर। ठीक है, अरे ओपन नहीं, स्विच स्विच ओपन, हाँ पेज कब से खोल दिए, स्विच ऑन, अरे सेकंड पॉइंट नहीं, हाँ स्विच ऑन योर कंप्यूटर, सेकंड मूव योर कर्सर। और फिर उनको पता है बच्चा कर्सर पे आएगा तो भाई साहब बॉल चुरा लेगा, तो वो उसको डायग्राम में दिखाते थे, कुछ ऐसा टाइप का फाइल है, ठीक है ऐसा है, लिखते नहीं थे क्या है, बस ऐसा एक डब्बा सा बना देते थे, हम भी ढूंढ रहे कहाँ है, दिख रहा है, मैच कर रहे होते थे, अच्छा ये तो कुछ और है, तो कुछ और है, ये कुछ और है, यही होगा, ये पीछा लिखा है, डबल क्लिक ऑन इट, ठीक है फाइल इज ओपन, ऐसे। इतना बोरिंग लगता था भाई, समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ राइट क्लिक करना है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कंफ्यूज हो रहा था, कहाँ राइट क्लिक करना है, कहाँ लेफ्ट क्लिक करना है, हमें कभी भी वो पढ़ाया ही नहीं, कंप्यूटर दिया ही नहीं। ठीक है, तो अभी देख लिया हमारी हाल, 9वीं क्लास में कंप्यूटर छोड़े थे, उसके बाद कभी उठाए नहीं, अभी हमको ऐसा एक वो बनाना था ऐसा, तो हमसे बना ही नहीं, तो हम पीपीटी में क्या करें, एक ऐसा बनाए, ये एक्चुअली में ऐसा है, ठीक है ये एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब मैं सोचूं यार ये तो दिख नहीं रहा वैसा, तो हमने एक ट्राइंगल पीपीटी में से ट्राइंगल और निकाला,
वो ट्राइंगल का साइज यहाँ पे सेट कर रखा है, देखो काला सा, और वो ट्राइंगल को इन्वर्ट करके यहाँ पे सेट कर रखा है काला सा। हम बस जुगाड़ करके ले आए जिससे आपको दो प्लेन दिखा दे, और मैंने कम से कम 15 मिनट लगाए इस चीज को सोचने में, समझ रहे हो तुम? 15 मिनट यहाँ पर मैं हाथ से बना सकता था, ये अभी बनाया लेकिन बकैती घर पे भी करने के लिए कुछ है नहीं यार, करने को कुछ है नहीं तो यही कर रहे थे ठीक है तो चलिए, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो हमारे पास ये थे, अब बात आती है डिप एंगल की। हमारे लिए ये वाला जरा ध्यान समझना, दिस इज कॉल्ड मम्मी भी सोच रही मेरा बच्चा भाई साहब कंप्यूटर पे इतनी देर लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो तगड़ा कोडिंग वोडिंग कर रहा है आजकल मार्केट में है, उनको नहीं पता ये बच्चा पीपीटी में कॉपी पेस्ट कर रहा है, एंगल बना रहा है किसी तरीके से दो प्लेन ऐसे दिख जाए बस। ये हमारी कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस ठीक है। जियोग्राफिक, मेरे घर वालों को तो लगता है भाई कि चलो आए, क्योंकि जब तक हम ऑफलाइन में थे तब तक तो हम कभी कंप्यूटर तो छुए ही नहीं, हमारा काम किताबों से चलता था। जब से ऑनलाइन में आए तब से मम्मी को लगा यस अब लग रहा है बच्चा आईआईटी गया था, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पे लैपटॉप पे इन पास बैठे रहते, क्योंकि हमारे मम्मी पापा को नहीं पता कि कैसे चलाना है, उनको लगता है हमारा बच्चा कुछ बहुत तगड़ा कर रहा है देश के लिए, ये कर रहा है ट्राइंगल सेट कर रहा है किसी तरीके से कि हाँ यार ये ट्राइंगल ऐसा प्लेन दिख जाए ठीक है। चलिए कोई नहीं, घर वाले खुश है इसी में ज्योग्राफिक मेरिडियन